नमस्कार, आवाज न्यूज 24 में मैं नितेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते राजस्थान सरकार के द्वारा एक अहम फैसला दो दिन पहले ही लिया गया और पुनः धारा 144 पूरे प्रदेश में कुछ विशेष जिलों में लागू कर दी गई है। और इसी कड़ी के अंदर आज प्रदेश में राजस्थान पुलिस द्वारा एक सराहनीय कदम उठाया गया, जिसमें सभी पुलिस कर्मियों के द्वारा फ्लैग मार्च राजधानी जयपुर में निकाला गया। आपको बता दें कि अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय श्री राहुल प्रकाश ने फ्लैग मार्च में शामिल पुलिस कर्मियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में धारा 144 एवं कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकारी एडवाइजरी की पालना के लिए आम जन को जागरूक करना है। उन्होंने पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के दौरान भी आपस में दूरी बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने आम जन से अपील की है कि कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर तुरंत अपनी जांच करवाएं। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त द्वितीय राहुल प्रकाश एवं पुलिस उपायुक्त मुख्यालय डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने धारा 144 की पालना के लिए पुलिस के फ्लैग मार्च में शामिल पुलिस कर्मियों एवं वाहनों को रिजर्व पुलिस लाइन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक सिंघल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं निर्भया स्क्वाड की नोडल अधिकारी सुमिता मीणा, सहायक पुलिस आयुक्त थाना अधिकारीगण एवं सिक्योरिटी ईआरटी एसटीएफ आरडीएससी डीआरएफ कमांडो आर्मर अग्नि परीक्षा जयपुरा वज्र वाहन मोटरसाइकिलों सहित पुलिस कर्मी व वाहन शामिल थे। देखिए हमारी विशेष वीडियो रिपोर्ट।